Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. जय जोहार, हेलो, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आ गए हैं गौरेला पेंड्रा मरवाही में, बस्ती बगरा से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जोगी गुफा में। आप देख सकते हैं यहाँ पे गुफा जैसा आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है देख सकते हैं आप, शंकर भगवान की पूजा अर्चना की गई है और इस जोगी गुफा के नज़दीक में ही बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। तो वीडियो में बने रहिए और एंजॉय करिए इस गुफा के और वाटरफॉल के। बस्ती बगरा से लगभग 3 किलोमीटर आने पे जोगी गुफा का यह जो है आश्रम है, आश्रम आप लोगों को दिखाता हूँ मैं अभी। यहाँ पे इस आश्रम में ये बहुत बड़ा शिवलिंग बना हुआ है, आप देख सकते हैं। पूजा अर्चना वगैरह किया जाता है यहाँ पे और काफ़ी बड़ा शिवलिंग है यह। शिवलिंग के बगल में ये आश्रम बना हुआ है, यहाँ पे बाबा जी रहते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। आगे जो है ना ये खेती बाड़ी वगैरह किया गया है और यहाँ जो पपीते लगे हुए हैं ना, पपीतों का पेड़ है, आप देख सकते हैं बहुत पपीते फले हुए हैं यहाँ पे। शायद कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा, मैं एक बार जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ जो पपीते हैं कितने फले हुए हैं, इस तरफ भी हैं और इधर भी जो है ना खेती वगैरह किया गया है, देख सकते हैं इस तरफ में आप। ये बाड़ी है और जहाँ जा रहे हैं हम लोग वहाँ पे एक गुफा है कहा जाता है और एक खूबसूरत सा झरना भी है वहाँ पे, जोगी गुफा झरना बोला जाता है जिसको। तो अभी चल रहे हैं हम लोग वहीं पे। आगे देखिए एक और मंदिर जैसा कुछ नज़र आ रहा है, पास में जाके देखते हैं वो क्या बना हुआ है। गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर है और यह जो आप देख रहे हैं गणेश जी की प्रतिमा है, यह कोई बनाया हुआ प्रतिमा नहीं है, मूर्ति नहीं है, ये एक पत्थर से है और कुछ इसी तरह से यह पत्थर जो है यहाँ पे था, उसको बस थोड़ा सा कलर वगैरह किया गया है और आकृति दिया गया है गणेश जी का। प्राकृतिक रूप से बना हुआ यह गणेश जी का मूर्ति है। नीचे जाने के लिए इधर से हमको घूम के जाना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे एक व्यू पॉइंट जैसा है, यहाँ से आप लोगों को यहाँ का दृश्य दिखाते हैं। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यह जगह जो है और ये जो मैं देख सकते हैं यहाँ पर पैर है मेरा और ये पूरा खाई है, ये बहुत ही बड़ा खाई है। यह एक खूबसूरत सा झरना यहाँ भी बन रहा है और एक आश्चर्य की बात बता रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को, यहाँ पे ये देख सकते हैं यह जो आपको पत्थर जैसा प्रतीत हो रहा है, पीछे से पूरा पत्थर ही है और इधर से अगर आप देखेंगे तो यह एक हनुमान जी की प्रतिमा है। हनुमान जी, इसको बनाया नहीं गया है, जो पत्थर है पत्थर में आकृति जो है हनुमान जी की पहले से ही उभरी हुई थी, बस इसको कलर किया गया है। ये बहुत ही अद्भुत है। अभी आप थोड़ी देर पहले देखे थे गणेश जी की प्रतिमा कुछ इसी तरह थी और अभी आप देख रहे हैं ये हनुमान जी की, यह कोई आश्चर्य से कम नहीं है। इस रास्ते से हम लोग अभी जा रहे हैं और हमको घूम के अभी वहाँ पे नीचे में जाना है। वो जो नीचे आप लोगों को पानी नज़र आ रहा है उस जगह में हम लोगों को जाना है। तो फिर से ट्रैकिंग है ये, उतरने समय तो दिक्कत नहीं होता, बस चढ़ने समय में थोड़ा सा जो प्रॉब्लम होता है वो होगा। इस रास्ते में थोड़ा सा रिस्क रहता है क्योंकि इसमें ग्रिप नहीं बनता है, थोड़ा फिसलन होता है, रेती जैसा मिट्टी है ये। बस थोड़ा सा और ट्रैक करेंगे और हम लोग पहुंच जाएंगे नीचे गुफा के पास में। और इधर में आप देख सकते हैं खूबसूरत सा झरना, आवाज़ आप लोगों को क्लियर क्लियर सुनाई दे रहा होगा इस झरने का, बहुत ही खूबसूरत अद्भुत है, बहुत ही खूबसूरत झरना है। या इसी तरह के दो झरने और नज़र आ रहे हैं यहाँ हम लोगों को, एक ये बड़ा वाला देख सकते हैं तो उसका दिखाएंगे वीडियो, अभी आप देखते रहिए वीडियो में बने रहिए। तो हम लोग गुफा के पास पहुँचने वाले हैं और ये देख सकते हैं आप गुफा को, यहाँ से जो है ना गुफा स्टार्ट हो रहा है। तो कोशिश करेंगे हम गुफा अंदर जाने के लिए,
यहाँ पे पूजा अर्चना वगैरह किया गया है शिव जी के, आप इसलिए देख सकते हैं शिव जी को मान के स्वरूप मान के यहाँ पे पूजा वगैरह कर रहे हैं, बाबा जी लोग हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोग कोशिश करते हैं अंदर जाने का, रास्ता बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, देखते हैं रास्ता कैसा है और कितना दूर अंदर तक हम लोग जा सकते हैं। यह जो है गुफा यहाँ से स्टार्ट होता है और आगे बंद हो गया हुआ है। अभी मैं चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ इस गुफा में, हालांकि अंधेरा होगा और गुफा में चढ़ना हमेशा रिस्की रहता है। आप देख सकते हैं ये टॉर्च लेके जा रहा हूँ मैं। अंदर जाने के लिए अंदर जो है ना और भी है रास्ता, बहुत अच्छा बना हुआ है रास्ता, नज़र आ रहा होगा। हालांकि यहाँ से जाना थोड़ा सा रिस्की है, बाकी कोशिश करते हैं अंदर जाने की। अंदर जाकर यह जो गुफा है चौड़ा नज़र आ रहा है। तो दोस्तों अंदर तो और हम नहीं जाने वाले हैं क्योंकि थोड़ा सा रिस्क भी है, जानवर वगैरह भी हो सकते हैं। यहाँ गुफा देखने के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं नीचे वाटरफॉल के लिए। आप देख सकते हैं रास्ता कुछ ऐसे पत्थरों वाले रास्ते से। इस तरफ कुछ ग्रामीण हैं, मछली पकड़ रहे हैं, देख सकते हैं। अभी यहाँ को मैं ट्रैक करके ऊपर जाने वाला हूँ वाटरफॉल के पास में। आ चुका हूँ मैं वाटरफॉल के पास में और कैसे एकदम स्ट्रेट गिर रहा है यह वाटरफॉल जो है ये ऊपर से। यह जोगी गुफा का खूबसूरत सा वाटरफॉल है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही स्ट्रेट एकदम खड़ा यह जो वाटरफॉल है वो गिर रहा है। और चारों तरफ ये पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ियां पहाड़ियां नजर आएंगी आपको। और ये है जोगी गुफा, जोगी गुफा है। उधर का फ्रंट करके आप लोगों को एक बार और दिखाता हूं मैं। और यह जो वाटरफॉल है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा और बहुत ही खतरनाक वाटरफॉल है। जोगी गुफा यहाँ पे है और उसके ऊपर ऐसा कहा जाता है, बाबा जी ने बताया कि इन पत्थरों में देवी देवताओं की आकृतियाँ नज़र आती हैं। तो आप देख सकते हैं अगर नज़र आ रहा होगा तो आप लोगों को, बहुत ही खूबसूरत सा यह वाटरफॉल है। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ का बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत ड्रोन शॉट। तो ड्रोन शॉट देखिए और एंजॉय करिए। Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. तो दोस्तों उम्मीद है आज का जोगी गुफा और वाटरफॉल का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।